एंजॉय करना है, साथ में भी एंजॉय करना है, ना कोई भेदभाव ना कोई अपना पराया, सब एक हो जाते हैं और मस्त घर में एकदम घूम जाते हैं। लेकिन मुझे ये बताओ आपके नवरात्रि वाला प्लान क्या है? सुन रहे हैं रेडियो सिटी, ध्यान रखिए। या ए टीम का भी हिस्सा है ये और रणजी टीम का भी हिस्सा रह चुके हैं। सो कल ही, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कल ही वीसीए की ऑफिशियल 11 लोगों की टीम सॉरी की जो सैयद मुश्ताक अली T20 टीम है वो अनाउंस हो चुकी है। उनके कप्तान है विदर्भ टीम के, विदर्भ में हमारे विदर्भ जोन की काफ़ी जाने मानी टीम है। उनके कप्तान है मिस्टर अक्षय जी वाड़कर जो आज गरबा विजिट के लिए हमारे बीच में है। आरज जी, पायल शर्मा जी और काफ़ी सारे साथ ही साथ पायल जी शर्मा प्रोग्रामिंग विदर्भ के जाने वाले क्रिकेटर अक्षय जी वाड़कर अपने आपसे पाहुणे अक्षय विदर्भाचे कप्तान आहे। इंडियन ए टीम साहेब ते सुद्धा उत्साह आहे। त्याचसोबत आपल्याला आज जे पाहुणे लाभलेले आहे मोहन असोसिएटचे सीएम त्याचप्रमाणे या आध्यात्मिक मंचावर आणखी एक पाहुणे आपल्याला लाभलेले आहेत आणि बर्थडे बॉय अभयजी कुलकर्णी करतील असं मी त्यांना विनंती करतो। इशू हाटेकर म्हणून तिची मम्मीला बोलवायचं ना, इशू हाटेकर या स्टेजवर इथे आलेली आहे, कृपया तिच्या मम्मीला विनंती आहे की तिचे कुठे असतील त्यांनी कृपया स्टेजवर येण्याची कृपा करावी। लोकं रोज असतात डॉली विरुळकर मेंटली चॅलेंज मुलं आणि हे सहारा स्पेशल स्कूल या शाळेमध्ये शिकतात, जी शाळा या कार्यक्रमाचे आयोजक नगरसेवक मनोजभाऊ गावंडे आणि मनीषजी चांदेकर हे कुठलेही गव्हर्नमेंट फंड न घेता मागील डॉली आहे छुई नाईक सगळ्या मान्यवरांना विनंती आहे की एक एक करून सगळ्यांना पायल शर्मा आर जे अभिषेक इनसे भी विनती आहे की प्लीज वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करें और इन बच्चों का और इस स्कूल का आपके रेडियो सिटी पे जरूर चलाइए क्योंकि इस स्कूल को स्पॉन्सर की बहुत ज़रूरत है। मनीष भैया प्लीज, सतीश भाऊ मोवड यांना सुद्धा विनंती आहे की त्यांनी प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करावे। आणि या सगळ्या गिफ्ट हॅम्परचे स्पॉन्सर्ड नितिशा श्रृंगार गिफ्ट कॉर्नरचे सर्व सन्माननीय समाजसेवक संजयजी रोकडे सर यांना विनंती आहे की कृपया त्यांनी मंचावर येण्याची कृपा करावी। त्या मुलांना इथे गिफ्ट मिळतं आपण जोरदार ठेवा, त्यांचं स्वागत केलं पाहिजे। तो एक संघर्षमय सहारा स्पेशल स्कूल के माध्यम से अपना जीवन व्यापित कर रहे हम उन लोगों को अगर उनके लिए कुछ कम से कम जोरदार तालियों के साथ उनका हौसला बढ़ा सकते हैं। आणि यानंतर लगेच 5 मिनिटांनी अब आपकी बारी है, बोलो वंदे मात की। आपके साइड के घर वालों ने बोल लिया, दोबारा करेंगे, बोलो वंदे मात की। क्या बात है,
रेडियो सिटी से मैं हूं आरजे अभिषेक, रेडियो पे सुबह सुनाई देता हूं 7 से 11। आज मौका मिला आपके बीच में आने का, बहुत बहुत शुक्रिया आप बुलाने के लिए। बाकी मजा मजा आ रहा है, माहौल बना हुआ है, एक सारे हाथ उठा के बोल दो मजा आ रहा है, आ रहा है ना, चलो फिर लगा रहो। हाय, मैं हूँ आरजे भावना एंड आज यहाँ पर नवरात्रि रास गरबा उत्सव चल रहा है, जहाँ पर मतलब हमारे शहर का एक अच्छा खासा जाना माना नाम मतलब BCN न्यूज़ चैनल भी है। एंड आई एम आरजे भावना फ्रॉम रेडियो ऑरेंज, बहुत ही मज़ा आया। एंड कैमरा के पीछे जो सर है उन्हें भी थैंक यू इतने अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेने के लिए, एंड आपकी टीम को भी थैंक यू सो मच। सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार है। नवरात्रि रास गरबा उत्सव में पधारे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि 2 साल के बाद हमें इस तरीके का मौका मिला है जहां पर हम खुल के सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। और जो देखिए हमारे उत्सव होते हैं ना, हमारे उत्सव हमें सिखाते हैं कि हमें किसी तरह का भेदभाव नहीं रखना है। सबसे अच्छी बात यही हो कि हमारे उत्सवों से हम सीखें। स्पेशली नवरात्रि का जो त्यौहार होता है ये हमें ये सिखाता है कि अपनी महिलाओं का सम्मान करें। सिर्फ ऐसा नहीं कि 9 दिन हम लोगों ने सेलिब्रेट किया फिर 9 दिन के बाद हम अपनी हरकतों में लग गए, नहीं। माँ दुर्गा के जितने भी रूप हैं, 9 दिनों में जितने रूप हैं वो हमें सिखाते हैं हिम्मत, साहस, करुणा, दया भाव, डर पे जीत। तो ज़रूरी है कि हमारे आसपास की जो महिलाएं हैं, ये जो आपको आसपास पूरे वीडियोस में दिख रही हैं, ये महिलाएं भी हमारी देवी हैं, इनका सम्मान करें, तभी सार्थक मायने में हम नवरात्रि को अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएंगे। बाकी आप लोग इन्जॉय करते रहें नवरात्रि की। आरजे अभिषेक की ओर से आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएँ। जय हिंद।
लुंगी लपेटे पिया, खुदने बलेगी
मंचाच्या पुढे जी गर्दी आहे ती प्लीज थोडं कमी करा. तरुण मित्रांना विनंती आहे की सहकार्य करा, गाणं येण्याचा मार्ग मोकळा करा.
आरजे भावना और मैं कहना चाहूंगी बड़े दुख कि अब थोड़ी देर बाद मतलब एक आखिरी गाना बजने वाला है और उसके बाद आज का दिन मतलब यहीं पे खत्म हो जाएगा। साथ हम गरबा खेलेंगे साथ में मिलकर, तो शुरू किया जाए। हेलो, कैसे हैं आप? कितने सालों से आप खेल रहे हैं गरबा? 16 साल हो गए। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन गरबा ये खेलते हैं एंड ले लेना आप मुझे अपनी टीम में नेक्स्ट टाइम। ठीक है, डीजे वाले बाबू। वीडियो है।